पाली नगर मंडल के अंतर्गत पटना जिला में बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, सूर्य भगवान का मंदिर है और यहाँ छठ के अवसर पर भारी भीड़ होती है। अन्य जिलों से भी लोग आते हैं, अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। उसको देखते हुए हम लोग यहाँ जो तैयारी की जा रही है अनुमंडल का अधिकारी पाली ने इसके नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक टीम और समिति के द्वारा इसके निरीक्षण के लिए हमारे एसएसपी साहब आए थे और व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है। कुछ संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है, पेयजल की जो व्यवस्था है, शौचालय की जो बैरिकेडिंग वगैरह तो अच्छा किया, लोग मेडिकल कैंप यहाँ पर रहे, प्रशासनिक नियंत्रण कक्ष रहे, सीसीटीवी कैमरा से पूरे परिसर की निगरानी हो और बाकी पार्किंग के लिए जो वाहन से लोग आते हैं उनकी पार्किंग के लिए व्यवस्था रहे, बनाया जाए ठीक ढंग से ताकि असुविधा नहीं हो लोगों को। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा है, निरीक्षण भी किया है और यात्री को जो श्रद्धालु रुकते हैं रात में उनके रुकने की व्यवस्था यात्री सेट जो बनता है उनका वो ठीक रहे, पर्याप्त रहे, उसका दो तीन जगह लोग इंतजाम किया हुआ है। कुल मिलाकर व्यवस्था ठीक है, हम लोग भी नज़र रखे हैं और जहाँ जरूरत होगी वहाँ तुरंत जो है जिला स्तर से भी सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा पर पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी रहेगी ताकि जितने हमारे छठ व्रती आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं। सर, जिला प्रशासन की ओर से क्या सहायता मिल रही है और किस प्रकार? ये पूरा इंतजाम हो रहा है जिला प्रशासन और जो समिति है दोनों के सहयोग से, और जो आवंटन या राशि जो सरकार से राज्य सरकार से प्राप्त होती है ये अनुमंडल का अधिकारी को प्राप्त करा दिया गया है। इंतजाम में कोई कमी नहीं रहेगी। सर, बीते कोरोना काल को पहले सर यहाँ पे उलार महोत्सव का आयोजन होता था, सरकार की सहयोग करती थी, क्या इस बार सरकार की तरफ से कुछ निर्देश आ रहे हैं? हाँ, ये कला संस्कृति विभाग के सौजन्य से यहाँ पर उलार महोत्सव का आयोजन किया जाता था, कोरोना काल में बाधित हुआ और इसको हम लोग फिर से शुरू कराएंगे। समिति से हम लोगों ने कहा है कि एक प्रतिथि निर्धारित करके प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित कर देंगे किस तिथि पर होता है, उस तिथि पर जो है वो आयोजन शुरू कराया जाएगा फिर से। सर, जिला क्या तैयारी है सर इस बार छठ पूजा को लेकर?